हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में पढ़ेंगे एयर। एयर मींस क्या होता है? हवा। आज हम पढ़ेंगे हवा के बारे में। हवा कहाँ रहता है? हवा जो है सिर्फ एक ही जगह रहता है या हर जगह रहता है? हवा को हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि देखिए, आप सब गर्मियों का मौसम चल रहा है, बाहर खेलते हैं और सब अगर बाहर रहते हैं, तो जब बाहर से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? फ़ैन ऑन करते हैं। पंखे को जब ऑन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पंखा जब चलता है तो उससे हवा निकलता है। तो क्या आपने हवा को देखा है? जवाब दीजिए कि आपने हवा को देखा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, हमने हवा को नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि हवा को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं हैं। जैसे कि फ़ैन चलता है, आप फ़ैन देखे होंगे, फ़ैन की पत्तियां चारों तरफ घूमती रहती हैं राउंड राउंड, लेकिन वो हवा पत्तियों को सिर्फ देखते हैं, उसकी ब्लेड्स को देखते हैं, बट हवा को नहीं देख सकते हैं। हवा नहीं दिखता। जब पेड़ हिलता है, खूब तेज़ी से आंधी आती है, तो क्या सिर्फ हम पेड़ को देखते हैं, पेड़ की पत्तियों को देखते हैं, लेकिन जो है हवा को हम नहीं देखते, हवा को सिर्फ हम महसूस करते हैं। और हवा हमारी क्या है? ज़रूरत है। अगर हवा नहीं होगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए हमको हवा की ज़रूरत होती है। देखिए, कैन यू फील द एयर मूव्स? क्या आप हवा को महसूस करते हैं? यस, हम हवा को महसूस करते हैं। और क्या है आगे? व्हेन एयर मूव्स यू कैन फील द ब्रीज। जब आप हवा को महसूस करते हैं तो क्या आप ठंडा फील करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं? यस, जब गर्मी लगती है और हमको जब पंखे के नीचे हम बैठते हैं तो हमको ठंडा महसूस होता है, हम ठंडा जो है फील करते हैं। तो यही सब टॉपिक है आज का, और इसी में से हम आपको कुछ होमवर्क्स देंगे, और आप वो होमवर्क आपको घर से करना है। यस एंड नो में आपको उसका सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना है। ये तो आपको हम ऐसे ही दिखाने के लिए, ये पिक्चर आपको दिखाए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये पिक्चर मैंने दिखाया है, जैसे कि देखिए बलून में हम हवा भरते हैं, लेकिन क्या होता है, बलून के अंदर हमको कुछ दिखाई देता है? नहीं, बलून बड़ा होता है ये तो हमको दिखता है, लेकिन बलून के अंदर जो हवा रहता है, एयर रहता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही और सब सारी चीज़ें हैं जो है बाहर ग्राउंड में जब हम गेंद को उछालते हैं, गेंद से खेलते हैं, गेंद ऊपर हवा में उड़ता, हवा के सहारे ऊपर उड़ता है गेंद, तो क्या हवा को हम देखते हैं? नहीं, सिर्फ बॉल को देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हवा जो है हवा से सब लोग चलते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल को भी हवा की ज़रूरत होती है, और हम लोग को भी हवा की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क? ये देखिए, होमवर्क है राइट वाई ई एस यस ओ आर और एन ओ नो। यस मीन्स होता है हाँ, एंड नो मीन्स क्या होता है? नहीं। तो आपको राइट मतलब लिखना है, यस एंड नो लिखना है, कहाँ पर यस लिखना है, कहाँ पर नो लिखना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ए एन कैन वाई ओ यू कैन यू एफ ई ई एल फील टी एच ई द ए आई आर एयर एम ओ वी ई मूव कैन यू फील द एयर मूव्स। तो क्या आप हवा को महसूस करते हैं? आपको आंसर में क्या लिखना है? तो यस और नो जो भी आपको लिखना होगा, अपने होमवर्क की कॉपी में इसको लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एयर आई एस इज ओ एन ई वन पी एल ए सी ई प्लेस एयर एयर इज वन प्लेस। क्या हवा सिर्फ एक जगह रहता है? जब आंधी आती है, हवा चलती है खूब तेज, तो आप सोचिए क्या हवा सिर्फ आपके ही घर चलती है, या फिर क्या सिर्फ हवा एक इंसान के घर चलती है? नहीं, वो सबको हवा लगता है, और जब आंधी तूफान आता है तो सबके घर पर आता है एक जैसा। तो इसलिए क्या होगा, एयर इज वन प्लेस, क्या हवा एक जगह रहता है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो, हवा एक जगह नहीं रहता। ये आपका दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप साइंस की कॉपी में होमवर्क नोट करिएगा और उसको अच्छे से निटेंटली लिखिएगा। ओके, थैंक यू।